हेलो एवरीवन एंड माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए अंदाज में, नए सीरीज़ में। आप लोगों को जानकारी बता दें, जो ऑलरेडी से आप लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैंने हिस्ट्री के एक सिलेबस बनाया था जहां पे मैं आप लोग को पूरी जानकारी दी थी कि कौन कौन से चैप्टर हिस्ट्री में आते हैं, कौन से चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ मैंने सिलेबस में बताया था किस टाइप के प्रश्न रहेंगे। तो बिल्कुल आज जो हम लोग आपका हिस्ट्री कंप्लीट करवाने के लिए स्टार्ट किए हैं सीरीज, जहाँ पे हम लोग 15 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, पूरी तरह से चैप्टर वाइज सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग को दिया जाएगा इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों से राय करूँगा, पूछूंगा, एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। सवाल ये है कि आप लोग में से कौन कौन जो है, जो कि इसको लगन है कि वो 90% मार्क्स जो प्लस मार्क्स ले गया, ठीक है, 90% से प्लस मार्क्स कौन कौन लाना चाहते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे और अपना बारे में बताएंगे कि मैं हिस्ट्री में जो 90% मार्क्स से ज़्यादा लेना, मतलब लाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं गारंटी से कहूँगा, पूरे 100% विश्वास के मैं उसका 90% मार्क्स दिला के रहूँगा, बशर्त जो आप लोग कमेंट कर देंगे एक बार, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग लाना चाहते हैं वाकई में, तो आप लोग का लगन होना चाहिए कि सच में मुझे लाना है, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल पे मैं आपको जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरी तैयारी करवा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री में, आर्ट्स के टोटल सब्जेक्ट की, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ आपका साइकोलॉजी, होम साइंस, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट के साथ इंग्लिश हिंदी की बिल्कुल तैयारी करा जाएगी। तो आप लोग जो है निश्चिंत रहें, और बिहार टॉपर अगर आप लोग होना चाहते हैं वाकई में, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि नाम है बिहार बोर्ड एजुकेशन, जो कि बिहार बोर्ड के लिए स्पेशल यहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। यहाँ पे प्रत्येक वर्ष जो बिहार बोर्ड में टॉपर होते हैं स्टूडेंट, तो अगर आप लोग चाहते हैं वाकई में होना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल हम लोग बात फालतू की बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का चैप्टर का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता, जिसको हम कहते हैं ईंट, मनके और अस्थियाँ, ठीक है। ये जो है सब्जेक्ट कुछ नोट्स है, अगर आप लोग इसको लेना है तो आप लोग जो है इस नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है व्हाट्सएप पे, 8 2 1 0 7 7 5 3 0 6, चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, और इस स्क्रीनशॉट लेकर के आपको व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना है। ये सारा आपको नोट्स जो है व्हाट्सएप में दी जाएगी। एप्लीकेशन हमारा है बिहार बोर्ड एजुकेशन नाम से, उसको आप लोग को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। वहाँ पे आपको बिल्कुल जो है सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट स्कोर्स मिल जाएगा। तो फिलहाल आप लोग ले लिए नंबर, और ये जो नोट्स में जो है अब यहाँ पे हम जो है केवल MCQ क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। MCQ क्वेश्चन यानी कहने का मतलब, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, सारे चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव को पूरी तरह से कवर करते जाएंगे। इसलिए आप लोग को यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप लोग ये सब्जेक्टिव नोट्स चाहते हैं पूरा, तो जो नंबर दिया आप लोग को उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चैप्टर 1 का जो है नोट्स स्टार्ट हो चुका है। नीचे में जो है 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक जो आंसर दिया रहेगा वो आंसर को मैं जब तक हाइड कर दूंगा, और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर होगी, ठीक है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एकदम पूरे जोशो खरोश के साथ कॉपी कलम लेकर आप लोग को बैठ जाना है, पढ़ाई को मजाक में लेना है, आपको एक घंटा ही पढ़ना है, लेकिन दिल से लगन के साथ पढ़ना है, पूरी तरह से अच्छी तरह से आप लोग को मेहनत करके फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या कर रहे हैं कि हड़प्पा टीले का उल्लेखन जो है सर्वप्रथम 1826 में किसने किया था, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर 4 दिया हुआ है। तो फटाफट आप लोग कमेंट करेंगे आप लोग पता है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगी। तो ये इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन की बात करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो आंसर चार्ल्स मैसन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी। देखिए काफी इजी क्वेश्चन का पता आप सभी को, मोहनजोदड़ो पूछ रहा है, यानी RD बनर्जी, जिसको हम कहते हैं राखल दास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अच्छे तरह से आप लोग को याद करते जाना है, कॉपी में नोट करते जाना है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से बाहर नहीं पूछाएंगे, ठीक है, टोटल के टोटल क्वेश्चन यहीं से पूछाएंगे। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे साथ रहेंगे, आपको जो बिहार टॉपर होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल्का प्रमाण जो मिला था वो मिला था काली बंगाल से, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, काली बंगाल, ठीक है। अच्छी तरह सारे क्वेश्चन आप लोग फोकस के साथ पढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, करके हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की पर जो किस पुराविद ने प्रकाश डाला था, तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा पे अर्नेस्ट मैके, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अर्नेस्ट मैके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है हम लोग को, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन बहुत ईजी आप सभी के लिए, अगर आप लोग थोड़ा भी पढ़े होंगे तो 2014-2019 से पूछा, इसके अलावा बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर्स के भी पूछे जाएंगे, मतलब दिया जाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो पिछले बार पूछे गए कौन कौन से बोर्ड में, ठीक है। तो अच्छी तरह से फोकस के साथ आप लोग पढ़ना है। देखिए यहाँ पे लोहा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या होगा लोहा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन क्या करें हम लोग को,
कि काली बंगाल जो स्थित है कहाँ पे, देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काली बंगाल जो है वो राजस्थान में, कहाँ पे है? राजस्थान, याद रखेंगे राजस्थान में काली बंगाल है, याद रखेंगे। ये अगर ट्रिक ये नहीं तो आपको बताएंगे, काली बंगाल का लास्ट में जो है आन आता है, ठीक है, जबकि राजस्थान का भी लास्ट में आन आता है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये काली बंगाल कहाँ है? राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राय बहादुर साहनी जो करवाया था वो आपका हड़प्पा कराया था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहला जो शहर खोजा मतलब था वो हड़प्पा है, तो हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता दोनों में अंतर है, ठीक है, ध्यान देंगे। हड़प्पा पूछेगा ये तो आपको जो है इसमें कन्फ्यूज होते हैं अक्सर स्टूडेंट कि हड़प्पा और हड़प्पा सभ्यता दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन आप लोगों को सेम नहीं है। ये हड़प्पा जो है क्यों हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा, क्योंकि एक सभ्यता खोजी गई थी और उसमें सबसे पहले जो जगह खोजी गई वो हड़प्पा खोजी गई, इसलिए उसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे शहर आते हैं, मोहनजोदड़ो आते हैं, लोथल आते हैं, कालीबंगन आते हैं, ठीक है, लेकिन उसका जो प्रमुख जो सबसे पहले जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम उसी नाम से हड़प्पा सभ्यता के नाम से ही रखा गया, ठीक है। तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था 1921 में, कब किया गया था? 1921 में किया था इसकी स्थापना हड़प्पा की, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को समझते जाना है, ठीक है, बिल्कुल भी आप लोग को कुछ जल्दबाजी और ध्यान को इधर उधर भंग नहीं करना है, पूरे कॉन्सेंट्रेट के साथ आप लोग को रहना है, अच्छे से अंत तक बने रहेंगे, गारंटी दूंगा कि एक भी क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में इससे नहीं छूटेगा, ठीक है। जहाँ तक होगा मैं पूरी तरह कोशिश करूंगा समझाने की ताकि आपको अच्छे से समझ आएगा। क्वेश्चन 9 के निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन जो सैंदव सभ्यता का प्रमुख देवता था, देखिए सैंदव सभ्यता का प्रमुख देवता के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके नीचे में दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी शिव जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए 10 क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन 10वां कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मान जाती है। देखिए ये क्वेश्चन जो है अलग अलग डिफरेंट बुक में आप लोग को अलग अलग मिलता है, ठीक है, कहीं पर मिलता है आपको चीन की सभ्यता, कहीं पर आपको जो है मिस्र की सभ्यता मिल जाती है, क्रेट की सभ्यता मिलती है और मोसापोटामिया की सभ्यता, लेकिन जो SBPT बुक के अनुसार जो आपका जो रहेगा वो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, मोसापोटामिया हो जाएगा या फिर मिस्र का या फिर क्रेट को होना चाहिए, देखते हैं आंसर क्या है। हाँ क्रेट की सभ्यता है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्रेट की सभ्यता। चलिए फिलहाल इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कहाँ पे क्या क्या देखे होंगे अलग अलग बुक में, तो उसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आप लोग को हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम पूछे गए 2010 में, पूछे गए 14 में, 18 में, 19 में पूछे गए क्वेश्चन, तो हड़प्पा सभ्यता जो है आपके कांस्य युग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर, कांस्य युग इसलिए क्योंकि उस समय जो है वो सबसे अधिक जो इस्तेमाल होने वाली धातु थी वो कांसा थी, ठीक है, और उसको नाम ही रहते हैं कांस्य युग, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कांस्य युग की सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर जो है कौन था, बताइए आप लोग को, बताना है आप लोग को हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा नगर, देखिए आप लोग आंसर देख लिए शायद क्या, मोहनजोदड़ो जी की बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता सबसे बड़ा जो नगर था वो मोहनजोदड़ो था, लेकिन सबसे पहला खोजा गया जो था वो हड़प्पा था, इसकी स्थापना कब हुई थी 1922 में, सबको बताया ना 1922 में मोहनजोदड़ो की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हम लोग को कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है, यानी कौन ऐसी जो है पदार्थ जिसको हम पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते, यानी किसको पुरातत्व के अंतर्गत नहीं रख सकते, यानी पुरानी चीज़ों के, यानी जिसकी खोज जो है पहले से हुई है, मतलब पहले से बना हुआ लेकिन बाद में उसकी खोज की गई थी, जैसे अभिलेख, अभिलेख से हम जो है पुरानी चीज मतलब पहले से अपनाई गई है, ठीक है, सिक्के ये भी जो उसकी मतलब हमको प्रमाण मिला है, और उसके बाद भग्नावशेष ये भी मिला है, यानी तीन को हम पुरातत्व के अंतर्गत रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है पुरातत्व के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं है, किसको नहीं, तो साहित्य इसको हम जो नहीं रख सकते, ठीक है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए साहित्य का मतलब कौन कौन समझते हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए साहित्य क्या होता है, कह रहा कि कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, देखिए हम लोग हम जो है आपके लिए कुछ कुछ क्वेश्चन का जो है आंसर क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि मेहनती बच्चा वही होता है जो है अच्छे से उसको मतलब छानबीन करे, और छानबीन करने से जो एक इंसान जानकारी ढूंढती है तो उसको 100 जानकारी मिल जाती है, और मैं आप लोगों को वादा किया हूँ क्या करने के लिए, बिहार टॉपर करने के लिए, ठीक है, तो मैं जो है आप लोगों को कामचोर यानी कामचोर बिल्कुल न मानने वाला हूँ, यानी कुछ ना कुछ आप लोग काम दूंगा जिसकी आप खोजबीन करके आप अपने नॉलेज को इंक्रीज करेंगे, ठीक है, हो सकता है आप साहित्य के बारे में खोजे उसके साहित्य के बारे में आप लोग बहुत सारा ढेर जानकारी मिल जाए, तो इससे आपकी नॉलेज होगी। अगर हम यहाँ पे एक उठाएंगे आप एक में क्या करेंगे मतलब उसको आप छोड़ देंगे, जैसे होता है ना कोई इंसान जॉब चाहता है, जॉब उसको मिल जाए वो स्टेबल हो जाता है और कुछ नहीं करना चाहता है, तो मेरा मतलब मेरा तो जिंदगी फ्यूचर बन गया, तो उसी तरह हम अगर बताते हैं इस क्वेश्चन का यहाँ पे अगर हर एक चीज का तो आप सुनेंगे मेरा तो क्लियर हो गया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों ले देते हैं ताकि आप उसको खोजबीन करते समय उसके बारे में और अलग अलग चीज के बारे में आप लोग जानकारी ले सकें, ठीक है, तो इसलिए स्पेशली मैं आप लोग को फरीफर कहूंगा कि मैं जो क्वेश्चन दूंगा उसका खोजबीन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दिया करेंगे, ठीक है, कोई भी काम चोर नहीं करेंगे, जो भी कमेंट बॉक्स में देंगे मैं उसकी गारंटी लूंगा 100% वो बिहार टॉपर करके दिखाएगा, ठीक है। तो कलकत्ता में ऐसी सोसाइटी जो की थी वो की थी किसने की थी, देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन ऊपर में दिया, एक ऑप्शन आपका नीचे में दिया होगा, ठीक है, आंसर जो आपका नीचे होगा विलियम जॉन्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या होगा विलियम जॉन्स।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, ये जो था आपका नगर पालिका जैसा था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नगर पालिका यानी वहाँ पे नगर थे, राजतंत्र नहीं थे, नहीं था लोकतंत्र नहीं था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता माना जाता है कि उस समय जो नगर जैसा वहाँ पे जो योजनाएं थी, मतलब बिल्कुल नगर की तरह, शहर की तरह, ठीक है, तो नगर पालिका जैसा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष जो उत्खनन किया गया था, तो पहली बार हड़प्पा बताइए आप लोगों 1921 हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो गोदीवारा जो कहाँ से मिला, तो ये जो मिला था आपका लोथल से मिला था, कहाँ पे से मिला था, लोथल से, याद रखेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए ये कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से जो मिलती है, लोथल से, हड़प्पा से, या फिर आपका नीचे ऑप्शन दिया है मोहनजोदड़ो या फिर मांडा, तो क्या हो जाएगा मेरे लोथल से, क्या हो जाएगा सॉरी मतलब यहाँ पे आपका मोहनजोदड़ो होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से जो नृत्य करती हुई जो लड़की मिली, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी मूर्ति जो मिली वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई जो लड़की की मूर्ति जो मिली थी वो कहाँ से मिली थी, तो लोथल, देखो इसको दो नाम से, सिंधु सभ्यता के नाम से था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता मतलब कहने का अर्थ ये होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे थी, ठीक है। देखिए इसमें और ये कन्फ्यूज आप लोग को रहता है, हड़प्पा पूछे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा कहाँ पे है तो रावी नदी के किनारे, लेकिन अगर आपको पूछा हड़प्पा सभ्यता तो वो सिंधु जगह, क्योंकि हड़प्पा जो है एक शहर का नाम है, ठीक है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में सारे जाते हैं, हड़प्पा लोथल सब कुछ, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता वो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसके नाम से उसको सिंधु सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए क्लियर है सबको, पूरी तरह से आप लोग को अच्छे से समझते जाना है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 19 से बढ़ते कर रहा है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो आपका सिंधु है, ठीक है, मोहनजोदड़ो क्या होगा सिंधु, ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा से बताया जो एक तरह का राजधानी होता है उसका राजधानी जो प्रमुख जो सिंधु है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो जो प्रमुख शहर माना जाते हैं हड़प्पा सभ्यता का, तो इसलिए ये जो है आपका सिंधु नदी किनारे, याद रखेंगे हड़प्पा जो रावी नदी किनारे स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, तो पश्चिमी उत्तर, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा पश्चिमी उत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, लोथल जो आपका भोगवा नदी के किनारे हो जाएगा, क्या होगा ऑप्शन यहाँ पे आपका सी होगा भोगवा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हम लोग को कि निम्नलिखित कथनों को, अच्छा इसको जो स्किप करते हैं फिलहाल, अगर आप लोग चाहते हैं इसका ऑब्जेक्टिव का नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप लोग गूगल में सर्च करेंगे बोर्ड परीक्षा, ध्यान देंगे बोर्ड परीक्षा BOARD बोर्ड, उसके बाद परीक्षा का स्क्रीन पता है आप लोगों ने PARIKSHA, ठीक है, याद नहीं हुआ RIKSHA, ये जो है बोर्ड परीक्षा स्क्रीन होता है, ये लिखकर गूगल में सर्च करेंगे आपको सारे सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स मिल जाएगी वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे फिलहाल आप लोग बताते हैं बिहार एजुकेशन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर देना है और जो नंबर दिया आप लोगों को उसमें कांटेक्ट करना है, फिलहाल आपको जो वहाँ से मिल जाएगी। राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो अवशेष किस वर्ष मिले थे, तो मोहनजोदड़ो की बात पूछी जा रही है तो 1922, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष वो कहाँ से मिले, तो विशाल स्नानागार के अवशेष जो मिले थे वो आपका मोहनजोदड़ो से मिले थे, कहाँ से मिले थे मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम लोग कह रहा है कि इसको भी स्किप करते, कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जुड़वा जो राजधानी थी वो क्या थी, तो हड़प्पा जो है मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी थी, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी इसका, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, देखिए क्वेश्चन पूछ लिया आपको रावी हो जाएगा, क्या होगा रावी, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, क्या देगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नहीं मतलब डी हो जाएगा आपका रावी हो जाएगा, क्या देगा ऑप्शन नंबर डी रावी। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि लोथल जो है कहाँ स्थित है, लोथल, लोथल क्या पूछ रहा है, तो लोथल आपका गुजरात में जाएगा, कहाँ पे जाएगा ये गुजरात में, याद रखेंगे इसको हम हाईलाइट कर देते हैं आपको इस तरह, चलो गुजरात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं, हमने क्वेश्चन कराया कि हड़प्पा का उत्खनन जो किया गया था, यानी किसने किया था हड़प्पा का उत्खनन, तो वो किया था दयाराम साहनी ने, किसने किया था दयाराम साहनी। चलिए देखिए क्वेश्चन करके, भारतीय पुरातत्व का पिता जो है किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का पिता जो कहा जाता है वो क्या कहता है किसको, अलेक्जेंडर कनिंघम को, ठीक है, याद रखेंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। क्वेश्चन कह रहे हैं सिंधु सभ्यता का कौन सा जो है स्थल जो है मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है, तो मृतकों का टीला जो है मोहनजोदड़ो, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन जो किसने किया था, तो इसका उत्खनन बताया आप लोग को RD बनर्जी ने किया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं आप लोग क्या कर दिए, अच्छा मतलब यहाँ पे क्वेश्चन इतना ही एंड हो गया इस चैप्टर का, ठीक है, और क्वेश्चन ये, तो यानी कंप्लीट हम लोग चैप्टर का जो ऑब्जेक्टिव यानी इसको हम MCQ कहते हैं, ठीक है, MCQ हम लोग का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसका कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप लोगों को करना क्या है 8210775, ठीक है, 8210775 30
6 इस पे आप लोग को कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप में, या फिर बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करना है, ठीक है। वहाँ से भी आप लोग को जो है पूरी हेल्प की जाएगी। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले नए सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।